लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक और धमाकेदार कंपैरिजन। एक यहाँ पर ऑफलाइन मार्केट का फोन और एक तरफ मैंने ऑनलाइन मार्केट से फोन उठाया। प्राइस यहाँ पर आपके दोनों ही फोन के सिमिलर से देखने को मिल जाएगी। इसके लिए यहाँ पर इसका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर कंटेंट क्या क्या मिलते हैं उसको लेकर फोन के अंदर आपको क्या क्या चीज डिफरेंस देखने को मिल जाएगी वो सब जानने के लिए बिल्कुल वीडियो पर लास्ट तक। ऐतिहासिक चीज सिर्फ एक बॉक्स में नजर आई है हमें। वीवो के फोन के अंदर ईयरफोन आपको देखने को मिलते हैं, सैमसंग में ये चीज यहाँ पर नजर नहीं आने वाली है। दोनों ही फोन के पोर्ट जो है आपको टाइप सी केबल यहाँ पर दोनों ही बॉक्स के अंदर नजर आ जाएगी। चार्जर कैपेसिटी की बात करें तो एक तरफ 18 वाट का सपोर्ट आपको Y53s में, लेकिन एक तरफ सैमसंग A22 के अंदर आपको 15 वाट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बैटरी की अगर बात करें तो दोनों ही फोन के अंदर आपको डेडिकेट स्लॉट देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ पर आपको दो नैनो सिम के साथ एक माइक्रो एसडी कार्ड आप दोनों ही फोन में यूज कर पाएंगे और अपनी मेमोरी को यहाँ पर आप जो है एक्सटेंड कर पाएंगे। बात करेंगे हम यहाँ पर डिजाइन और इसके फिजिकल ओवरव्यू की, तो यहाँ पर काफी अच्छी चीज हमें नजर आ रही है सैमसंग की तरफ, बिकॉज यहाँ पर काफी अच्छा और नया डिफरेंट कलर आपको जो है वो सैमसंग के A22 में देखने को मिल जाएगा। काफी अच्छा सा फिनिश, ग्लॉसी सा फिनिश आपको पीछे से देखने को मिलता है, मैट फिनिश यहाँ पर नजर आ जाएगी। और क्वालिटी की अगर बात करें तो लाइक यहाँ पर डिजाइन में कलर वगैरह की चीज को लेकर फोकस किया जाए तो सैमसंग का A22 आपको काफी बेस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वीवो के Y53s में भी यहाँ पर काफी अच्छा डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा। साइड की अगर बात करें तो आपको दोनों फोन के अंदर सिमिलर से यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है पावर ऑन की पर देखने को मिलता है और ऊपर की तरफ वॉल्यूम की देखने को मिल जाती है फोन की आवाज को कम ज्यादा करने के लिए। नीचे अगर पोर्ट्स की बात करें तो आपको यहाँ पर मिलता है टाइप सी पोर्ट दोनों ही फोन के अंदर। स्पीकर देखने को मिल जाएगा 3.5 mm का जैक जो आपकी ईयरफोन के लिए देखने को मिल जाता है। ये चीज भी काफी फोन के अंदर विलुप्त हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों ही फोन में देखने को मिल जाएगा। अंदर की स्पेसिफिकेशन की बात करें यहाँ पर तो डिस्प्ले जो है आपको काफी इंप्रेसिव से यहाँ पर दूर से देखने को मिलता है, लेकिन अगर इसकी क्वालिटी की बात करें और साइज को लेकर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है Y53s में 6.58 इंचेस का फुल एचडी प्लस IPS पैनल के साथ डिस्प्ले, ऊपर तरफ नॉच नजर आने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूँ सैमसंग के A22 की तो यहाँ पर आपको 6.6 का फुल एचडी प्लस यहाँ पर 90Hz का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले के अंदर। सिमिलर सा डिस्प्ले लेकिन रिफ्रेश रेट क्वालिटी काफी अच्छी आपको सैमसंग में नजर आ जाएगी। ऊपर की तरफ दोनों ही फोन में यहाँ पर नॉच आपको देखने को मिलेंगे। चीन जो नीचे की तरफ है वो यहाँ पर आपको Y53s में थोड़ी कम देखने को मिलती है एज कम्पेयर सैमसंग के A22। साइज के बाद अगर क्वालिटी की बात करें, अगर वीडियो प्ले करें हमें दोनों ही फोन के अंदर तो काफी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की आपको वीडियो प्ले यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर वीडियो की बात अगर चल रही है और डिस्प्ले आपका अगर सैमसंग का है तो थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट जो है वो यहाँ पर हमें सैमसंग में देखने को मिलता है एज कम्पेयर वीवो से, बिकॉज यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की जो डिस्प्ले है वो आपको सैमसंग में यहाँ पर लॉन्ग टर्म से देखने को मिलती जाए। आपको तीन कैमरास देखने को मिलते हैं, लेकिन Y53s के सेंसर अगर बात करें पिक्सल रेजोल्यूशन की तो यहाँ पर आपको मिलता है एक 64 का प्राइमरी लेंस 2 MP का, एक मैक्रो लेंस 2 MP का, डेप्थ सेंसर अल्ट्रा वाइड लेंस यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। वहीं अगर सैमसंग के A22 की अगर बात करें तो 48 का ही प्राइमरी लेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, 5 MP का एक वाइड लेंस है और 2 MP का यहाँ पर एक मोनो लेंस आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब तीन तीन लेंस है, लेकिन यहाँ पर सैमसंग ने अपना इसमें वाइड लेंस का यूज किया है। ये काफी अच्छी चीज है, सैंपल शॉट में आपके सामने रखता हूं तो आपको बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा कि यहां पर किस में कितना डिफरेंस आपको दोनों ही फोन में देखने को मिल जाता है। और क्वालिटी वाइज अगर बात करें तो यहां पर काफी अच्छी क्वालिटीज जो है वीवो के फोन से भी आजकल हमें देखने को मिलती है और सैमसंग में तो हमेशा अच्छे फोटो हमें नजर आ ही रहे थे। 48 में भी काफी अच्छे फोटो आपको यहां पर देखने को मिल जाए। सेल्फी कैमरे में यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, बिकॉज Y53s में 16 MP का सेल्फी कैमरा है और वहीं अगर सैमसंग A22 की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 8 MP का सेल्फी कैमरा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का सेल्फी जो है आपको Y53s में देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस को लेकर अगर बात करें दोनों ही फोन के यहाँ पर तो आपको एक तरफ मिलता है Y53s में फ्रंट टच OS 11 और एंड्रॉइड 11 फोन आपका बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर मीडियाटेक का हेलियो G80 प्रोसेसर मिलेगा। लेकिन अगर बात करें वहीं गैलेक्सी A22 की तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छा प्रोसेसर मिलता है एज कम्पेयर Y53s से। मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 यूज किया गया है वो फोन, और ये भी आपका एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड है। गेम प्ले की अगर बात करें दोनों ही फोन के तो यहाँ पर आप नॉर्मल गेम प्ले कर सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस सेटिंग पर अगर गेम प्ले करेंगे आप तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, लेकिन ज्यादा लॉन्ग टर्म तक आप गेम प्ले करते हैं सैमसंग थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा आपका एज कंपेयर Y53s से। तो यहां पर अगर आप ज्यादा गेमिंग के शौकीन है तो ये यहां पर थोड़ी सी आपको दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल गेम प्ले वगैरह करते हैं, वीडियोस वगैरह स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं तो यहां पर आपके लिए सैमसंग A22 काफी बेस्ट ऑप्शन यहां पर इस प्राइस पॉइंट पे हो सकता है। फोन को काफी अट्रैक्टिव सा यहां पर सैमसंग ने बनाया है, फिर भी यहां पर वेट वगैरह की बात करें तो आपको थोड़ा सा हैवी वेट है यहां पर Y53s का, बिकॉज इसमें 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन डिजाइन का काफी अच्छा लुक दे देता है आपका A22, इतना ज्यादा हैवी नहीं लगता है वीवो से। तो यहां पर भी आपको 5000 mAh की बैटरी यहां पर फोन के अंदर देखने को मिल जाएगी। प्राइस आप इतना पे कर रहे हैं तो यहां पर आपको चाहिए लॉन्ग टर्म बैटरी ड्यूरेशन तो आपको दोनों ही फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। चार्जर कैपेसिटी यहां पर थोड़ी सी डिफरेंस है, एक तरफ 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, एक तरफ आपको 15 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। प्राइस को डिस्कस करते हैं इस वीडियो को खत्म, तो यहां पर हम बात करें अगर दोनों ही फोन का स्टोरेज वगैरह को लेकर तो आपको Y53s में मिलता है 8GB 128GB का स्टोरेज 19,500 की कीमत के अंदर, मतलब यहां पर लगभग 20,000 तक आप पहुंच जाएंगे इस फोन में। फोन जो है 4G है आपके साथ, लेकिन
लेकिन A22 की बात करें सैमसंग के फोन की, तो ये 6GB 128GB के साथ आता है। ये फोन आपको 20,000 की कीमत में भी देखने को मिल जाएगा, मतलब 19,999, 500 रुपये ज़्यादा है, लेकिन फोन आपको 5G आपको हो जाएगा, प्लस परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर है, लेकिन कैमरा क्वालिटी वगैरह Y53s में, अगर आप गेम प्ले वगैरह करते हैं, वीडियोज़ क्वालिटी आपको अच्छी चाहिए, सैमसंग आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है। लेकिन एक कैमरे के लिए आप अगर फोन को परचेस कर रहे हैं तो वीवो यहाँ पर काफ़ी अच्छी फोटोज आपको यहाँ पर दे देगा। तो फ्रेंड आपको कैसे लगे वीडियो कमेंट मेंशन जरूर करेगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सारे वीडियो को नोटिफिकेशन के अपडेट आपसे मिस ना हो।